डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का क्वेश्चन नंबर 19 करने वाले हैं। दी हुई दो समान वृत्तों, ठीक है, दो एक समान वृत्त हैं ए और बी, पर बाहरी स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हों। मतलब ये जो वृत्त हैं एक दूसरे से दूर हैं, छू नहीं रहे हैं एक दूसरे को। इन्होंने बोला है इनकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा होती है जो दोनों वृत्तों को छू है, ठीक है, ये खींचने को कहा गया है। आइए इसको करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और ये क्लास हमारी 8th। दो वृत्त लगाएंगे एक दूसरे से दूर, परंतु एक समान, दोनों एक समान होने चाहिए। एक बराबर वृत्त लगाएं, ये हो गया एक। इसी की सीध में यहां जैसे हम दूसरा वृत्त लगा देते हैं, रही है इस तरह से। दो वृत्त लगाएं आप, उनके नाम हैं ए और बी, दोनों के केंद्रों को आपस में मिलाएं, बिंदुदार, ये हो गया। दोनों के केंद्रों को आपस में बिंदुदार रेखा से हमने मिला दिया। अब बिंदु ए और बी पर 90 डिग्री के कोण बनाएंगे आप। बिंदु ए पर बनाएं, ये हमने 90 डिग्री के कोण बना लिए हैं। अब मैं लंब उठाने जा रहा हूँ। इस तरह ये उठा लिए लंब, देख रहे हैं आप। इन लंब ने, ये जो 90 डिग्री के लंब उठाए हमने, इन्होंने दोनों वृत्तों को एक पॉइंट पर टच किया है यहाँ पर। इनको नाम देंगे आप M और N, ये M और ये N। अब आप M और N को मिलाते हुए स्केल रखें और स्पर्श रेखा खींचें एक डार्क, ठीक है। तो ये आपकी CD रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, और ये आपका प्रश्न नंबर 19 बनकर तैयार है। थैंक यू।